हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम हो या बरसात का मौसम, ऐसे मौसम में अगर एक कप गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय मिल जाए फ्रेंड्स, तो क्या कहने। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कड़क मसालेदार चाय की रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कड़क मसालेदार चाय की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्लेम को ऑन करके यहाँ पर चाय का बर्तन रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो इसके लिए 1 कप पानी ले लिया है। पानी को मैंने बर्तन में डाल दिया। पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। पानी उबलने लग गया है, इसमें मैं 2 छोटे चम्मच चाय पत्ती डाल दूंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप चाय बनाएं, उबलते हुए पानी में चाय पत्ती डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और साथ ही मैंने 2 छोटे चम्मच चीनी डाल दिया। चीनी आप स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 4 काली मिर्च लिया हुआ है। इसको हम दरदरा सा कूट करके चाय में डाल देंगे, जिससे चाय का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चाय में मैंने डाल दिया। छोटा अदरक टुकड़ा लिया हुआ है, मैं इसको कद्दूकस करके इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो कूट कर भी अदरक को डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ें डालने के बाद फ्रेंड्स, हमें चाय को 1.5 से 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय का कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। तो चाय हमारी अच्छी तरह से उबल गई। मैं इसमें 1 कप दूध डाल दे रही हूँ। दूध डालने के बाद फ्रेंड्स, चाय को ज़्यादा ना उबालें। 1/2 मिनट तक उबालने के बाद आप देखेंगे चाय का बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चाय जब हल्की सी उबलनी शुरू हो जाए तो इसे एक बार मिला लें। फ्रेंड्स, हमारी चाय बहुत ही अच्छी से बनने वाली है। चाय हमारी बन गई है फ्रेंड्स, इसको मैं छान लेती हूँ। तो गर्मा गर्म चाय को मैं डाल रही हूँ कप में। इस गर्मा गर्म चाय को आप पकौड़ों के साथ, नमकीन के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।